अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगी। तो फ्रेंड्स, आज हम अपनी रेसिपी में बनाएंगे आलू गोश्त। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलो हम अपनी आलू गोश्त की रेसिपी की तरफ चलते हैं। जो जो चीज़ें इसमें डलेंगी पहले आप वो नोट कर लें। यहाँ पे मैंने दो दरमियाने साइज़ की प्याज ली है, जो मैंने इसको चॉप कर ली है, और एक पाव के करीब मैंने दही लिए, और यहाँ एक कप ऑयल लिया है, और तीन से चार अदद मैंने कड़ी पत्ता लिया है, दो चम्मच खाने के मैंने पिसी हुई लाल मिर्च लिए, यहाँ मैंने एक खाने का चम्मच अजीनोमोटो लिया है, एक खाने का चम्मच मैंने गरम मसाला, और एक खाने का चम्मच हल्दी, एक खाने का चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट, और दो खाने का चम्मच मैंने पिसा हुआ धनिया लिया है, ज़ीरा लिया है, यहाँ मैंने सारा गरम मसाला लिया है, और ये मैंने एक खाने का चम्मच नमक लिया है, और ये मैंने देखे आलू लिए हैं तीन से चार अदद, इनको मैंने इस तरीके की शेप में काट लिए हैं। इस तरीके से आलू ज़रा अच्छे से गल जाते हैं। और ये मैंने आधा किलो के करीब ये गोश्त लिया है, मैंने हड्डी वाला गोश्त लिया है। तो चलिए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है, इसको मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। अब इसके अंदर मैं ऑयल डाल दूंगी, एक कप जो मैंने ऑयल लिया था। हमारा जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो मैं इसके अंदर ये दो दरमियाने साइज की जो मैंने प्याज ली थी, चॉप की थी, वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी। मैं प्याज को जब तक पकाऊंगी जब तक कि ये थोड़ी लाइट ब्राउन नहीं हो जाती। मुझे डार्क ब्राउन नहीं करनी है, मुझे बिल्कुल हल्की सी लाइट ब्राउन करनी है। हमारी प्याज अच्छे से पकनी शुरू हो गई है। अब यहाँ पे मैं गरम मसाला डाल दूंगी। मैंने ये काली मिर्ची, लौंग, बड़ी इलायची और दालचीनी ये मैं इसमें डाल दूंगी, और मैंने एक चम्मच के करीब जीरा लिया था, वो भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। गरम मसाला डालने के बाद मैं इसको अच्छे से पकाऊंगी। देखिए हमारी प्याज देखिए बिल्कुल लाइट ब्राउन हो गई है, मुझे ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी है, मुझे यही कलर चाहिए था प्याज का। अब मैं इसके अंदर गोश्त डाल दूंगी और इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूंगी गोश्त डालने के बाद। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दूंगी, और लहसुन अदरक डालने के बाद मैं इसको अच्छे से भून लूंगी, यानी कि लहसुन अदरक में मैं अच्छे से गोश्त को पका लूंगी। लहसुन अदरक डालने के बाद मैं इसको 5 मिनट के लिए कवर कर दूंगी। तो हमारे 5 मिनट हो गए हैं, और देखिए गोश्त का कलर भी चेंज हो गया है। इसके अंदर खुश्क मसाले डालूंगी। यहाँ मैंने
उसमें 3 अदद जो कड़ी पत्ता लिया था वो डाल दूंगी। 2 खाने के चम्मच मैंने यहाँ खुश्क धनिया लिया है वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी। ये लाल पीसी हुई मिर्च 2 चम्मच वो डाल दूंगी मैं इसके अंदर। और ये नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल दें। 1 चम्मच के करीब ये मैंने हल्दी ली है और 1 चम्मच ही मैं इसके अंदर अजीनोमोटो डालूंगी। ये सब मसाले डालने के बाद मैं गोश्त को अच्छे से भून लूंगी मसालों के अंदर। अब ये 1 कप जो दही था वो भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी और दही डालने के बाद मैं गोश्त को थोड़ा सा कवर कर दूंगी कि ये दही का पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। देखिए ये दही का पानी अच्छे से खुश्क हो गया है और ये मसाला बिल्कुल अच्छे से भुनता हुआ आ रहा है। आपने मसाला गोश्त को मसाले में अच्छे से भूनना है कि इसमें मसाले की हीट ना आए। और अब मैं इसके अंदर ये 2 गिलास पानी डाल दूंगी और मैं इसको 1/2 से 1.5 घंटे के लिए कवर कर दूंगी कि हमारा गोश्त अच्छे से गल जाए। तो देखिए हमारा ये 1.5 घंटा हो गया है और गोश्त भी हमारा अच्छे से गल गया है। इसके अंदर थोड़ा सा पानी है तो उसी पानी के अंदर हमने आलू भी गलाने हैं। अब मैं जो मैंने आलू कट किए थे वो मैं आलू इसके अंदर डाल दूंगी। आलू डालने के बाद मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करूंगी। अब मैं इसको 15 मिनट के लिए कवर कर दूंगी कि हमारे आलू अच्छे से गल जाएं इसी पानी के अंदर। देखिए हमारे 15 मिनट हो गए हैं और आलू भी हमारे अच्छे से गल गए हैं। मैंने इसके अंदर 2 से 3 अदद हरी मिर्ची डाल दी थी साबुत। मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी और इसके अंदर मैं 1 चम्मच के करीब गरम मसाला डाल दूंगी, पिसा हुआ गरम मसाला। और थोड़ा सा मैं ऊपर से हरा धनिया डाल दूंगी। हरा धनिया डालने के बाद मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर दूंगी, फिर मैं आपको डिश आउट कर दूंगी। तो देखिए हमारा मज़ेदार सा आलू गोश्त तैयार है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।